बीते शुक्रवार को माउंट त्रिशूल पर हिमस्खलन की चपेट में आए नौसेना के 4 अधिकारियों की मौत हो गई थी। इनमें लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती भी शामिल थे। सोमवार को लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती का पार्थिव शरीर देहरादून स्थित गंगोत्री विहार आवास पर पहुंचा। घटना के बाद से उनके परिजन बुरी तरह सदमे में है। सोमवार को उनका पार्थिव शरीर शहर के रिंग रोड स्थित गंगोत्री विहार में उनके आवास पर लाया गया। यहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बेटे की पार्थिव शरीर को तिरंगे से लिपटा देखकर मां और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आपको बता दें कि अनंत कुकरेती की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी और आखिरी बार अपनी शादी में ही वो दून आए थे। वहीं अनंत कुकरेती का शव उनके घर पहुंचते ही वहां भीड़ जुट गई। अनंत की पत्नी राधा मुंबई में स्टेट बैंक में नौकरी करती हैं। इस दुखद हादसे के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। नौसेना के दल के हिमस्खलन की चपेट में आने की सूचना पर उनके सास ससुर मुंबई चले गए थे। रविवार देर शाम वो लोग दून पहुंचे। मुंबई में अनंत के बड़े भाई अखिल का परिवार भी रहता है। सैन्य सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी गई। बता दें कि कुकरेती परिवार मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा ब्लॉक के गांव 84 पट्टी अजमेर से है और यहां जोगीवाला में नथनपुर के गंगोत्री विहार लेन नंबर 1 में उनका मकान है। अनंत की पत्नी राधा और भाई अखिल मुंबई में रहते हैं। रविवार को मुंबई से पूरा परिवार देहरादून पहुंच गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।